तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। और रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं हरिद्वार रोड पे, जहां पर एक रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है पिंड बलूची। और पिंड बलूची की खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि 11 राज्यों में 18 शहरों में इसकी जो फ्रेंचाइजी है वो मौजूद है। और आपको अगर पंजाब का टेस्ट चाहिए, उत्तर भारत का टेस्ट चाहिए, तो आप भी आ सकते हैं पिंड बलूची में। और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। कहीं आपने ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया है जहां पर बीच में पेड़ हो, आर्टिफिशियल पेड़ हो, और आपको ऐसा लगे कि भाई आप पंजाब में बैठे हो, और जो दीवारें हैं वो भी आपको मिट्टी की मिलेंगी, चूड़ियाँ मिलेंगी, बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो सिर्फ आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और आप पंजाब से पिंड बलूची यहाँ पर आ गया है और हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या खास लेकर आया है पिंड बलूची रुड़की वासियों के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पर। ये एंट्री गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये भी लगाया गया है मीडिया कवरेज, फ्रंट पेज की मीडिया कवरेज में भी पिंड बलूची का नाम आता है। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर भी मनमोहक ये चीज़ें लगाई गई हैं। और एक बात और भी है, अगर आपको सीढ़ियों से नहीं आना तो उनके लिए लिफ्ट भी यहाँ पर मौजूद है। तो अंदर चलते हैं। और एक खास बात और भी है, जब कोई अंदर पहुँचेगा तो उसे सस्या काल कह के संबोधित किया जाएगा, उसका मान सम्मान किया जाएगा। और आप भी आगे जब आएंगे तो आप भी उनका मान सम्मान करें। तो दोस्तों, हमने एंट्री कर ली है और एंट्री करते वक्त सबसे पहले आपको पंजाबी वेशभूषा के ये वहाँ से दिखाई देंगे जो आपका स्वागत करने के लिए यहाँ बैठाए गए हैं। वैसे तो स्टैचू हैं, लेकिन जो पंजाब का नेचर है उसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ बैठे हुए। ये हैं, मैं इनके बराबर में बैठ के आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आपका जो टेस्ट है पंजाब का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है और बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऊपर चलते हैं, बताते हैं और दिखाते हैं क्या क्या डेकोरेशन इस जो रेस्टोरेंट है इसकी है और आपको क्या खास मिलने वाला है। क्यों भाई साहब, चले। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पिंड बलूची द विलेज रेस्टोरेंट में और हमारे साथ मोहित भाई मौजूद हैं। तो हम जानना चाहते हैं, रुड़की जानना चाहते हैं कि भाई रुड़की वासियों के लिए क्या खास लेकर आए, क्या खास है सर रुड़की वासियों के लिए? सबसे पहले सत श्री अकाल। हमारी जो इस पिंड बलूची की जो ब्रांच की जो शुरुआत हुई थी 1992 से हुई थी। तो जिनके जो फाउंडर हैं मिस्टर जसपाल सिंह चड्डा जी, जो दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं जी, तो सर ने भी आना था लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए। तो एक्चुअली वो जो ट्रैफिक G20 का जो चल रहा है, बाकी जो हमारा जो मेन जो मोटो था जी, हमारे जो थर्ड टेयर और सेकंड टेयर जो सिटी है, मेट्रो सिटी भी तो हम लोग काफ़ी तरह से अवेलेबल हैं, तो सेकंड टेयर और थर्ड टेयर सिटी में हम लोग अपनी अवेलेबिलिटी बना रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सर, बताया जाता है कि पिंड बलूची ने बहुत जल्दी ग्रोथ की है और विदेशों में भी अपने पंख फैला चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे? रुड़की में ओपन हुआ है, खाने को क्या क्या मिलेगा लोगों को? जैसे बात करें भाई, पंजाबी नेचर है तो पंजाबी उत्तर भारत का जो टेस्ट है वो मिलेगा सर। खाने में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पूरे मेन्यू के अंदर आप देखेंगे तो 100 से अधिक जो है डिशेज है खाने की। उसके बाद अगर देखें तो वेज और नॉन वेज दोनों की सुविधा है। अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड के अंदर ही हमारे 3 रेस्टोरेंट है, तीसरा हमारा रुड़की है, ठीक है। बाकी के 2 हमारे आगे इन फ्यूचर प्लान चल रहे हैं। बाकी जैसा आपने बोला पैन इंडिया पे, तो पैन इंडिया पे हमारे 65+ रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। 11 सिटीज में है, 18 स्टेट में है। और बाकी अगर देखें तो खाने से लेके हम लोग छोटे से छोटे जो मीडियम सेगमेंट के हैं और हायर सेगमेंट, हम लोगों ने सब सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है इसमें। जब अगर हम लोग बोलेंगे जैसे बड़ा प्राइस और छोटा प्राइस, बड़ा साइज और छोटा प्राइस, तो मेन्यू में क्या रहने वाला है सर? मेन्यू में अगर हम लोग देखें तो चिकन से जैसे अगर देखेंगे तो तंदूरी चिकन हो गया अपना, मटन दारा हो गया, मटन ढाबा मीट हो गया अपना, धनिया मुर्ग करी हो गया। अगर हम लोग वेज में बात करें तो लबाबदार है अपना, मखनी का है, मेथी मलाई का है। उसके बाद अगर स्टार्टर में चले जाते तो स्टार्टर में दही के कबाब है और अपना मशरूम कुरकुरे है, पनीर टिक्का है। और नॉनवेज में अगर चिकन टिक्का जाएंगे, अफगानी है, टंगड़ी है, तो काफी सारी डिशेज हैं। जब आप एक लोग बार आएंगे, जब यहाँ के लोग आएंगे देखेंगे उसको टेस्ट करेंगे तब जाके उसमें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी पिंड बलूची को मिल चुका है, और जिसे पुरस्कार मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। आपको यहाँ पर टेस्ट जरूर मिलेगा, आप एक बार जरूर आइएगा पिंड बलूची। क्या कह रहे थे सर? मैं ये बोल रहा था, अगर आप मैं आपको ये लिस्ट अगर दिखाऊँ तो इसमें करीबन जो हमारे जो चेयरमैन सर है मिस्टर जसपाल सिंह चड्डा जी, उनको
अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू भी जो है अवार्ड मिला है, आइकॉन ऑफ हरियाणा का भी मिला है, और फाइव राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिले हैं जैसा आपने बताया है, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो हमारे लिए यही है कि जो हमारे जो अटल जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने सम्मानित करा था, आइकॉन ऑफ हरियाणा से है, दिल्ली से है, बाकी जो बेस्ट पिंडवलुची जो है रेस्टोरेंट्स का वो भी अवार्ड मिले हैं, तो उसी को देखते हुए सर ने जैसे अपना यूपी साइड में हो गया, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो यूपी में ज़्यादा है जी, यूपी काफ़ी बड़ा भी है, दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, और अभी उत्तराखंड में भी हम लोगों ने तीसरा चालू करा है, तो सर का यही है कि जितने से ज्यादा हो सकता अगर आप पूरा इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे पूरा इंटीरियर को भी अगर आप जो है लुकआउट करेंगे तो पूरा का पूरा विलेज थीम पे ही है। दोस्तों मैंने इंटीरियर की बात की थी कि बीच में पेड़ है, आर्टिफिशियल पेड़ है, और जो पंजाब का टच है, जो दीवारें हैं वो भी ऐसी लगती हैं जैसे मिट्टी की दीवारें हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो फुटेज में दिखाऊंगा आगे, लेकिन अगर आपको पंजाब के गांव का टेस्ट चाहिए तो आ जाइए पिंड बलोची, और पता मैं आपको बता देता हूँ, एड्रेस बता दीजिए सर। अमर अंडा शोरूम रुड़की, हरिद्वार बाईपास रोड, हरिद्वार, ये हरिद्वार रोड है, और जो भगवान परशुराम जी की जो धर्मशाला है वो उसकी बराबर में ही होंडा शोरूम है, उसके ऊपर ये ओपन हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं और पंजाब के गांव का टेस्ट ले सकते हैं। इसमें आपको आपको जो है छोटी जैसे किटी पार्टी करनी है या अपना गेट टुगेदर करना है, और अपने हमारे पास जो है मतलब जो 80-90 कवर हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर है, तो हमारे तीन सेक्शन बने हुए हैं, एक जैसा फर्स्ट पीडीआर हो गया, थर्ड पीडीआर, देन सेकंड एंड थर्ड पीडीआर, मैं देख रहा हूं सर मॉकटेल ही मिल जाएगा यहां पे। हां बिल्कुल जी, मॉकटेल का तो दोस्तों यहां पर मॉकटेल भी आपको मिलेगी, मॉकटेल है लेकिन विद लिकर नहीं, विदाउट लिकर है, जब इन फ्यूचर हमें अगर लगेगा तब हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी हमारा फिर जो भी विदाउट मतलब नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल्स हमारे, ठीक है, तो नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल्स यहां पर मिलेंगे, और पंजाब के गांव का टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेगा, पूरे उत्तर भारत का टेस्ट मिलेगा, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, तो एक बार जरूर आइएगा पिंड बलोची। तो दोस्तों चलिए उनसे भी आपको मिला देते हैं जो इतना अच्छा पंजाब का टेस्ट आपके लिए रुड़की लेकर आए हैं, अंकित भाई हमारे साथ हैं, अंकित सिंगल जी क्या कहेंगे रुड़की वासियों को, आपने यहाँ पे पिंड बलोची रेस्टोरेंट खोल दिया है, कहाँ से आइडिया आया कि आपको भी पिंड बलोची यहाँ पर लाना चाहिए? एक्चुअली हम लोग भी फूड ब्लॉगर बहुत फूडी हैं, तो इधर उधर काफी रेस्टोरेंट में हमने खाया है, और लेकिन एक ऑथेंटिक टेस्ट जो यहाँ पे हमें नहीं मिला कहीं पे भी, और जैसे हमने कभी दिल्ली वगैरह या और पिंड बलूची के काफी सारे आउटलेट्स में गए हैं, तो जो टेस्ट वहाँ पे मिला है तो उसी वो हम हमेशा ये चाहते थे, मैं हमेशा ये चाहता था कि वो टेस्ट हम रुड़की में भी लेके आए और लोगों को पता लगे कि पिंड का जो खाना होता है वो किस तरीके का खाना होता है, तो इस वजह से हमने पिंड बलूची का यहाँ पे ओपनिंग करी है। जो रेट्स है मेन्यूज है वो कैसा रहने वाला है रुड़की वासियों के लिए? रेट्स बहुत रीजनेबल होंगे, बड़ा साइज छोटा प्राइस और बहुत रीजनेबल रेट्स पे बहुत अच्छा ऑथेंटिक खाना आपको पंजाबी खाना यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए दोस्तों बड़ा साइज और छोटा प्राइस जी, इस चीज पे गौर करिएगा सभी रुड़की वासी हो, जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी मैं ये बात कहूंगा कि भाई इस चीज पे गौर करिएगा, लेकिन अंकित भाई ने कहा कि मैं बहुत फूडी हूँ, देखने से तो वैसे लगते नहीं है फूडी है, फूडी तो हम है दोस्तों, हम जरूर खाएंगे, अगर हमें टेस्ट अच्छा लगेगा तो हम जरूर खाएंगे। केशव भाई भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी योगदान है यहाँ रुड़की में लाने का बलूची को, तो दोस्तों आप आ जाइए कभी भी आप आ सकते हैं, कब रेस्टोरेंट ओपन होगा और कब रात्रि में बंद होगा ये सब बातें बता दीजिए और एड्रेस भी बता दीजिए। जी आज शाम 6 बजे से रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा और हमारे रेस्टोरेंट की टाइमिंग सुबह 12 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की रहेगी, और रेस्टोरेंट का जो एड्रेस है वो आप नोट कर लीजिए, ये सोलानी पुल से पहले होंडा का शोरूम है, होंडा शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पे पिंड बलूची का ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, आपका इंतजार रहेगा अंकित भाई को। जी बिल्कुल सर, ठीक है।